नमस्कार साथियों, मेरा नाम है फारूक लाला। आज मैं जा रहा हूँ खजाने की तलाश में, तो आपका अक्षय बोल से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है साथियों। तो साथियों, आज जा रहा हूँ मैं खजाने के तलाश में। वो खजाना 120 साल पुराना साथियों। मैं दादाजी कहते कि बहुत बड़ा खजाना साथियों, पर मेरे दादाजी गुजर गए, पर साथियों मुझे वो खजाना पता नहीं। अगर मैं खजाने तक पहुँचना चाहता हूँ तो मेरे घर में साथियों 130 साल पुराना है नकाशा। ये नकाशा मुझे खजाने तक जरूर पहुँचाएगा साथियों। अगर आप देखना चाहते हैं खजाना कितना बड़ा और कितना आगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहो। मैं कर रहा हूँ खजाने की तलाश। अब यही रास्ता मुझे खजाने तक ले जाएगा साथियों। तब तक के लिए साथियों, फारूक लाला आराम से संभाल के चलो, इधर कोई भी खतरा हो सकता है। आराम से। तो साथियों, मेरी परिस्थिति खराब होने की वजह से मैं सूझ नहीं ले सकता। 1000-2000 एकड़ का ये जंगल है साथियों, इसमें खजाना संभालना सौंपी नहीं साथियों। साथियों, ऐसे जंगल में हमारा सामना कौन से भी जानवर से हो सकता है। जानवर मुझे तेंदुआ बोलो, एनोगोंडा बोलो, असगर बोलो साथियों, क्योंकि ये जंगल में कौन सा प्राणी दिख जाएगा और कौन से प्राणी से हमारी मुठभेड़ हो जाएंगी साथियों। ऐसे मुठभेड़ में हमारी जान भी जा सकती है साथियों। तो साथियों, तब तक के लिए आप आगे जाती हमारी मुलाकात हो गई एक खतरनाक जानवर से। देख सकते हो, क्योंकि हमारे जैसा जंगल में खजाने की तलाश में लगता साथियों। मैं इसे हाथ नहीं लगाना चाहते हो साथियों, क्योंकि अगर ये इसने मुझे बाइट कर दिया साथियों, तो इसमें मेरी जान भी जा सकती है। ये सांप बहुत साथियों, इतने बड़े जंगल में इसके लगता है माँ बाप इसे छोड़ के चले गए साथियों। ये भी हमारे जैसा फिर रहा है साथियों। ये खजाने के तलाश में नहीं साथियों, पर ये उसके शिकार के तलाश में साथियों। अक्सर तो ये सांप साथियों रात में छिपकलियाँ खाने के लिए निकल जाते हैं साथियों। तो आप देख सकते हो। अक्षय भाई, आप क्या सांप के बारे में बताना चाहते हो? हाँ भाई, मैं आता हूँ, रुको। सांप को इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक कहते हैं और मराठी में तस्कर। ये सांप ज्यादातर चिड़िया के अंडे खाने पसंद करता है साथियों, इसलिए लगता है इस पेड़ पर ये अंडे खाने के लिए चढ़ा होगा साथियों। पर ये अभी बहुत ही छोटी अवस्था में है साथियों, ये ज्यादा से ज्यादा 4 फुट तक बढ़ता है साथियों, पर अभी ये बहुत ही छोटा है। आप देख सकते हो साथियों, इस सांप की खूबसूरती, कितना खूबसूरत सांप है ये। तो ये सांप बिल्कुल नॉन वेनमस है साथियों, इस सांप में थोड़ा सा भी जहर नहीं होता साथियों। अगर ये आपको काट ले तो भी कुछ नहीं होता। अभी मैं इस सांप को आप और काट कर दिखाता हूँ, क्या सांप मेरे को काट सकता है, क्या सांप में जहर रह सकता है। अभी आप लाइव देख सकते हो साथियों, तो आप देख सकते हो साथियों, सांप हमें नहीं काट रहा, क्योंकि किसी भी जानवर से आप अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे तो कोई भी जानवर आपको काटेगा नहीं साथियों। और वैसे ये सांप हमको काट नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है साथियों, और ये नाइट में हमें दिखना बहुत ही गर्व की बात है साथियों। तो बिना किसी छेड़खानी के साथियों, इसको हम इसके राह पर चले जाने देते हैं साथियों, क्योंकि अगर इस सांप को हम थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो इसको कुछ भी हो सकता है साथियों। ये पास एक बस्ती है, गिलास गवा दे रहे होगा भाई, कुछ नहीं भाई, कैमरामैन कुछ नहीं। साथियों, हमें आगे नहीं देखना, पीछे भी देखना, क्योंकि तेंदुआ किसी भी वक्त हम पे हमला कर सकता है साथियों। इस जंगल में ना जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में पिछले 2 महीनों में 30 जनों की जान जा चुकी है साथियों। 95% तेंदुए साथियों इस जंगल में। देखो साथियों, कुछ तो भी मिल रहा है साथियों, आप देख सकते हो साथियों। लगता है इस बस्ती में, एक बड़े से जंगल में साथियों छोटे छोटे कारनामे हो जाते हैं साथियों। ये देखो, ये नंबर वन है, ये नंबर वन का बच्चा टैंगो है साथियों। इसे टैंगो कहते हैं, देसी दारू टैंगो पंच। तो साथियों, इसकी मैं तुम्हें अमाउंट भी बता सकता हूँ, ये 50 रुपये में 90 मिल जाता है साथियों। जानते साथियों, मुझे इससे कुछ लेना नहीं, हमारा सफर भी चलता है। शायद इस बस्ती वाले पीते होंगे साथियों। आप वीडियो को छोड़ के ना जाए, अंत तक देखे साथियों, क्योंकि यार लगभग साथियों रात के 1:30 बज रहे हैं साथियों। ऐसे जंगल में वीडियो बनाना सौंपी नहीं साथियों, और खजाना संभालना उससे सौंपी नहीं साथियों। अगर आप इस खजाने को और हमें पूरा देखना चाहते हो साथियों, तो यूट्यूब चैनल पर हमारे बने रहे साथियों। आगे बढ़ते ही दूसरी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही थी। आराम से साथियों, आप देख सकते हो इस घने जंगल में साथियों, ये बरगद के पेड़ है साथियों। कौन सा पेड़ है फारूक लाला? ये बड़े से जंगल में साथियों छोटे छोटे पेड़ निकल ही जाते हैं। शायद इधर पुस्ता भी है, इधर पुस्ता भी, कैमरा मैन इधर पुस्ता भी है साथियों। बेंडक होगा साथियों, आप देख सकते हो पूरा कीचड़ है इसमें, ठंडक से हमें कुछ पता नहीं साथियों। हमें खजाने की तलाश में, और तुम्हें हम खजाना बता के रहेंगे साथियों। झाड़ियों में से निकलती हमारे सामने थी एक बहुत बड़ी नदी। इस नदी में
मवेशी अपने जानवरों को पानी पिलाने आते हैं साथी। इस नदी से निकलना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, पर फारूक लाला फिर भी ट्राई करेंगे दोस्तों जिंदगी में साथी। इन कांटो भरे जंगल से बचना नामुमकिन है साथियों। आप देख सकते हो काटा, ये काटा काटने के बाद साथी आदमी पानी भी नहीं मांगता साथियों, क्योंकि हमें आराम से चलना पड़ेगा। ये काटा बहुत जहरीला होता है साथियों। ये काटे की साइज मैं आपको बता दूं, ये टूट गया साथियों। तो देख सकते हो साथियों कितना सुरीके सा काटा है साथियों। अगर आपके पैर में गया है ना साथियों, तो इससे आपकी मौत भी जा सकती है। ऐसे पेड़ों से साथियों आप दूर रहे, मैं तो इस पेड़ के दूर जा रहा हूँ साथियों, बहुत दूर। हमारे सामने थी बहुत बड़ी मुसीबत, हमें ये धरन पार करके दूसरी तरफ जाना था साथियों। साथियों आप देख सकते हो मलबा नदी का प्रवाह आते वक्त बहुत बढ़ जाता है साथियों, क्योंकि नदी का उगम बहुत दूर से साथियों। अगर हम नदी के प्रवाह में हम भी अगर ऐसा आधा घंटा अगर फिरते तो साथियों हमारे भी हाल इस मलबे के ऐसा हो सकते थे साथियों। इसमें डरने की बात नहीं साथियों, ऐसी जगह पर हमें जल्दी हल्के हल्के पास निकलना। साथियों आप देख सकते हो ये खाई कितनी खोल है साथियों, मुझे इस खाई के उस आगे की तरफ जाना साथियों। साथियों इस खाई को पार करते करते मेरी जान भी जा सकती है साथियों, जिंदगी रहेंगी तो साथियों फिर मिलेंगे साथियों। आराम से तो साथियों आप देख सकते हो ये आपके लिए खाली बॉटल है साथियों, अपन हमारे सफर में कभी भी काम की गिर सकते हो साथियों, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा साथियों। लगता है जंगल में हमारे खजाने की तलाश में 10-12 दिन भी जा सकते हो साथियों। तब तक के लिए साथियों ये भी है दूसरी के साथियों में काम में आ सकता है। इस बड़े जंगल में साथियों मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा सिवाय मेरे साथी। थोड़ा सा आगे बढ़ती हमारी रुकावट बन रहा था ये रेत का टीला। नकाशे के हिसाब से साथियों हम ठीक जा रहे हैं साथी। तो साथी आप देख सकते हो मेरे पैर में कितना बड़ा काटा जा चुका है साथियों। सफर साथियों निकालो भाई उसे निकालो, कोई सफर साथियों आसानी से नहीं मिलता। देख सकते हो कितना खून निकल रहा है। तो साथियों ऐसे बड़े से जंगल में छोटे छोटे कारनामे हो जाते हैं साथियों। साथियों छोटी सी दिख रही है साथियों, पर इस बस्ती वाले मैं जब इस जंगल में आ रहा था बस्ती वाला कहना साथियों ये मकड़ी को जानलेवा हो सकती है साथियों, क्योंकि पिछले महीने में इस मकड़ी की वजह से बस्ती में 10-12 बच्चों की जान जा चुकी है साथियों। तो मैं इस मकड़ी के दूर आपको दूर से बता रहा हूँ साथियों। कैमरामैन क्या है फारूक लाला क्या है? तो साथी आप देख सकते हो ये दो अंडे, ये मुझे तो लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है साथी ये डायनासोर के हो सकते हैं। डायनासोर साल में एक ही बार अंडा देता है साथियों। ये नकाशे के हिसाब से साथियों ये वही डायनासोर के अंडे साथी, पर हम उसे मुझे भूख लगी है साथियों, क्योंकि रात के वगैरह बस्ती भी बहुत दूर है साथियों। इस जंगल से बस्ती 200 किलोमीटर दूर है साथियों। तब तक के लिए हमारे सफर साथियों आसान नहीं होगा साथियों। ये अंडा में मुझे खाने है साथियों, मुझे कुछ भी हो जाए साथियों इस अंडे में मेरी जान जाए
या नहीं जाए मुझे कुछ पता नहीं साथियों। अगर ये अंडा मेरी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है तो मैं 2-3 दिन साथियों इस वीडियो में बना रह सकता हूँ। साथियों मैं फारूक लाला आपसे लेता हूँ अलविदा, क्योंकि साथियों वीडियो बहुत लंबा बन रहा है साथियों। आप इतना बड़ा लंबा वीडियो यूट्यूब पे देख नहीं सकते साथियों। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा साथियों। पार्ट 2 में आपको मैं खजाना बताऊंगा साथियों। साथियों जिंदगी रहेंगी तो फिर मिलेंगे। तुम खुश रहो, हमारा क्या साथियों।